डेरिवेशन की बात, ठीक है, यहाँ पर डेरिवेशन है, इधर ध्यान, ये हेडिंग डालो स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण। इसको क्वेश्चन लिखवाओगे सीधा, ये किस टाइप का है, चलो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, बात क्वेश्चन पहले लिख लो उसके नीचे हेडिंग डालते हुए। हाँ क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन ही लिखो डायरेक्ट, क्वेश्चन लिखो, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि प्रार्थना, गांव से आने पर मेरे को दिशा नहीं, अब स्कूल जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था, चलो ये आ गया, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए, पिंड के लिए गतित ऊर्जा व स्थितित ऊर्जा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए गतित ऊर्जा व स्थितित ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, का योग सदैव नियत रहता है, गतित ऊर्जा व स्थितित ऊर्जा, व स्थितित ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, ये लिखिए, ये वैरायटी है, एक और दूसरी वैरायटी पूछा गया, इसको लिखना हाँ, सुन लो कैसे पूछा गया क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है, ठीक है, क्या पूछा गया है, यांत्रिक ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है लेकिन उसको मार घुमा के कोई नहीं पूछेगा, और तीसरी वैरायटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है, ऐसा तो क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा किस टाइप का पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं लिखवा सकते, लिखवाना भी कुछ लिखवा भी देता मैं, टाइम इतना नहीं रहता है, ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन समझना पड़ेगा कैसे क्या लिखा है एग्जाम में, हम लोग काफ़ी कवर करते चलेंगे, ठीक है, हाँ हाँ शब्दों को चेंज करके देखते हैं क्योंकि हायर क्लास है ना, हम लोग का इलेवंथ क्लास हायर क्लास में आता है, ठीक है, तो समझना पड़ेगा, चलो आप हेडिंग डालो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण करें, क्या हेडिंग डालो उसको नहीं लिखो, हाँ देखो हेडिंग डालो ने यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण करना, उसके पहले ये लिखना पड़ेगा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के लिए, ये क्वेश्चन लिखे हो लिख लो उसके नीचे लिख लो, चलो कोई बात नहीं, इसी में अभी मत डालो उसके नीचे लिखो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण करनी है, ये नियम लिखने के बाद होती है, हाँ उसी का लिखवा हूँ, नीचे में लिख लो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण करनी है, उसी के अंदर है सब कुछ, उसी के अंदर है क्योंकि क्वेश्चन दूसरी वैरायटी में ऐसे ही पूछा गया है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण करनी, यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, सिद्ध कीजिए, ठीक है लिखना पड़ेगा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण करनी है, लिखो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण करनी है, उसके आगे लिखना डेढ़ साल के संरक्षी बलों के प्रभाव में, संरक्षी बलों के प्रभाव में, संरक्षी बलों के प्रभाव में घर्षण बलों की अनुपस्थिति में, संरक्षी बलों के प्रभाव में घर्षण बलों की अनुपस्थिति में संबलों की अनुपस्थिति में किसी निकाय की कुल ऊर्जा, किसी निकाय की, किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा रखते हैं, किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है, सदैव नियत रहती है, किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल संरक्षी बलों का प्रभाव में बोला गया, उसके बाद बोला गया घर्षण बलों की अनुपस्थिति, ठीक है आप ध्यान देना, संरक्षी बल के प्रभाव में बट घर्षण बल की अनुपस्थिति बोला है, तो मुझे बताओ घर्षण बल क्या संरक्षी बल है,
असंरक्षिबल है, ठीक है। और संरक्षिबल क्या क्या होता है, सभी केंद्रीय बल संरक्षिबल होते हैं, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण भी संरक्षिबल होता है, हाँ बहुत सारे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, संरक्षिबल तो प्रभाव बोला है, इसका मतलब संरक्षिबल जितने आते हैं, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण ले सकते हो आप, अभिकेंद्र बल ले सकते हो, इन सभी बलों को रहना और उसके साथ घर्षण बलों की अनुपस्थिति, मतलब कि घर्षण बल नहीं होना चाहिए, मतलब असंरक्षित बल नहीं होना चाहिए, तब के कंडीशन में किसी निकाय की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो क्या है, सदैव नियत रहती है, यही कहा गया इसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब सिर्फ ये है, जहां भी संरक्षित बल होगा वहां असंरक्षित बल नहीं होगा, ठीक है। मतलब जहां पे हम संरक्षित बल को कैलकुलेट करेंगे वहां संरक्षित बल नहीं पाएंगे, बस यही बोला, सिंपल सा डेफिनेशन यही लिखा होगा। संरक्षित बलों के प्रभाव में घर्षण बलों की अनुपस्थिति में किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है, ठीक है। निकाय का मतलब कुछ वस्तु, ठीक है। चलो अब लिखते हैं इसका, हाँ देखो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के ना बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, हम एक ही टाइप का उदाहरण कवर करेंगे, बाकी दो टाइप का उदाहरण कवर नहीं करेंगे, ठीक है। जिसमें से एक ये है, क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता पूर्वक दिखते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ये एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये आसान है, ठीक है। संरक्षित बल वो बल होते हैं बेटा जो क्या होते हैं, चलो तुम लोग भी समझ देने पर और एक्सप्लेन हो जाए, संरक्षित बल वो बल होते हैं जो क्या होते हैं, पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर कहते हैं। पथ की प्रकृति का मतलब होता है वस्तु किस मार्ग से चल के जाती है उस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई वस्तु, अगर मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ तो वस्तु, ठीक है। इससे पहले याद रखो संरक्षित बल क्या कहते हैं, जैसे कि सभी केंद्रीय बल संरक्षित बल होते हैं, उसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है, संरक्षित बल है। केंद्रीय बल का मतलब अभिकेंद्र बल में केंद्र होता है कि नहीं होता है, होता है ना, अभिकेंद्र बल में भी क्या होता है, केंद्र होता है, वैसे गुरुत्वाकर्षण बल को भी हम लोग संरक्षित बल मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर मैं एक वस्तु रखूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस वस्तु को हवा, ठीक है, 5 मीटर उठाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मान के चलता हूँ मेरा जो ये वस्तु है कितने किलोग्राम का होता है, 10 किलोग्राम, ठीक है। इस वस्तु को उठा के यहाँ लेके हम, तब भी वस्तु कितने किलोग्राम का, 10 किलोग्राम, ठीक है। वस्तु वही है, उसका जो बता मान क्या है वही है। अब मैं इस वस्तु को उठा के चाहे इस मार्ग से ऐसे घुमा के, ठीक है, मेरे को इस ही वस्तु ले जाना, मतलब कि इस मैं क्या किया, पहले इसको सीधा उठा के लेकर दूसरे कंडीशन में इधर से उठा के, तीसरे कंडीशन में ऐसे घुमा के, बोलते हैं तो घर्षण बल में ध्यान देना। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक पेड़ है,
ठीक है, वस्तु है। अब वस्तु है यहाँ से मैं इसको कुछ फोर्स देता हूँ, मान के चलिए मैं कितना करूँ 5 न्यूटन का इसको फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान दे रहे हैं ये रास्ता एकदम प्लेन है, सीधी सरफेस, मतलब कि क्या सतह है, ये नॉर्मल सरफेस है, सीधी सतह मान के चलिए, ठीक है। तो वस्तु को हमें क्या कर दूँ, वस्तु छोड़ रहा है, वस्तु कोई गेंद मान लो, अभी गेंद से ये गेंद है, अब इस गेंद को मैं 5 न्यूटन के फोर्स यहाँ से धक्का देता हूँ, ठीक है। खिचकी सतह मतलब बिल्कुल अच्छी खासी दूरी तक चाहिए चाहिए ना, मैं मान के चलता हूँ गेंद यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दूरी, ठीक है, क्या जमसन है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है। अब ध्यान देना मैं एक और सरफेस बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी यहीं से वस्तु को मैं 5 मीटर की फोर्स से क्या करता हूँ इसको धक्का देता हूँ। अब इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे ऐसे हर्डल बना देता हूँ, हर्डल मतलब रुकावट, खुरदरी सतह, खुरदरी सतह, ठीक है। अब ध्यान देना, अब बताओ मेरे को यहाँ से 5 मीटर का फोर्स दे रहा हूँ वस्तु यहाँ तक, अब यहाँ से तो दूरी तक जाएगी वस्तु, यहाँ से तो दूरी तक जाएगी ऊपर में जाएगी ना, ठीक है, नीचे में नहीं, कम दूरी तक जाएगी, क्यों कम दूरी तक जाएगी, हाँ इसमें घर्षण कम से ज्यादा है, इसका रीजन ये है बेटा क्योंकि ये वाला जो पथ है वो क्या है, खुरदुरा है, खुरदुरा है ना, ठीक है। तो यही बोला गया असंरक्षण का जो डेफिनेशन इसमें क्या बोला गया है, ये पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और घर्षण बल क्या है, असंरक्षण बल है, तो घर्षण बल में ये पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो अगर चिकनी सतह है तो ज्यादा दूरी तक जाएगी और खुरदुरी सतह है तो कम दूरी तक जाएगी, तो घर्षण बल भी यही चीज होता है, घर्षण बल को यही रीजन है क्या असंरक्षण बल होते हैं, ठीक है। तो 10 मीटर जाने की बजाय हो सकता है 5 मीटर 3 मीटर नीचे 4 मीटर, ठीक है, इतने तरीके में है कि रुकावट है, यही रीजन है, ठीक है। तो दोनों बदल आएंगे तो आपको समझ में आएंगे असंरक्षित बल, कुछ उदाहरण होते हैं जैसे घर्षण बल है, श्याम बल होता है, बदल श्याम बल बता देता हूँ, श्याम बल क्या होता है, बदल श्याम बल होता है मतलब बेटा दो द्रवों के बीच में फ्रिक्शन है, ऊपर में ध्यान देना, ठीक है, वो ऐसे नीचे की ओर देखता है यहाँ से देखते हैं, ठीक है। और नीचे दूरने से पहले एक और स्थिति आती है यहाँ पर, ठीक है, मैं तीन अलग अलग पोजिशन में यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरता है, तो मैं तीन अलग अलग कंडीशन में इसका क्या करता हूँ, इसी यांत्रिक ऊर्जा कैलकुलेट करने वाला हूँ, ठीक है। पहले कंडीशन में मान के चलता हूँ ये लाइट कंडीशन में वस्तु ए पोजिशन पर है, दूसरे कंडीशन में वस्तु कहाँ पर है, बी पोजिशन पर है, तीसरे कंडीशन में कहाँ पर है, सी पोजिशन, ठीक है। पहले कंडीशन में मान के चलता हूँ यहाँ से वस्तु, यहाँ जितनी ऊंचाई पर है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ से वस्तु एच ऊंचाई पर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या है, एच ऊंचाई। अब मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर ए से लेके बी तक वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है, मैं मान के चलता हूँ एक्स, ठीक है, क्या मान के चल रहा हूँ एक्स। अब ध्यान देना ये पूरी हाइट क्या है, एच मान के चल रहा हूँ, कितनी हाइट क्या है एक्स है, तो इतनी हाइट क्या हो जाएगी बी से लेके सी तक, एच माइनस एक्स, चलो इतना तो आप एच माइनस एक्स, ठीक है, एच माइनस एक्स देखते कि बता रही है, आप ध्यान बताए। चलो पहले कंडीशन में क्या मान रहा हूँ, यहाँ पर जो वस्तु है ये क्या है, यहाँ पे रखा हुआ है, अभी हम छोड़े नहीं है वस्तु, यहाँ पे क्या है वस्तु स्टेबल है, मतलब कि विराम अवस्था में है। पहले कंडीशन में यहाँ पर कोई भी वस्तु जब विराम अवस्था में होती है वहां पर वेलोसिटी को क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, ये तो पता होगा, ठीक है। दूसरे पोजिशन जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है और मैं मान के कहाँ पे चल रहा हूँ, बी पे आ गई वस्तु, ठीक है, तब यहाँ पर मैं इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ v1, ठीक है, क्या मान के चलता हूँ v1। अब वस्तु जब बी से सी में आ गई, ठीक है, वस्तु ऊपर से नीचे गिरी यहाँ बी तक आई, तब वेलोसिटी क्या मान के चल रहा हूँ v1। जब वस्तु बी से सी पर आए तब वेलोसिटी में क्या मान के चल रहा हूँ v2, ठीक, ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इसी के ऊपर हम लोग अलग अलग कंडीशन में हम लोग इसका यहाँ पर ऊर्जा निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन में पूरा मान लेते हैं हम लोग, वहाँ पे जो डायग्राम बना रहा हूँ उसी में पूरा चीज मान के चले। देखो मान लो एम ब्रह्मांड का एक पिंड, तो एम भी है, इसका ब्रह्मांड क्या है एम है, ठीक है। पिंड तल से एच ऊंचाई पर बिंदु ए पर स्थित है, लिखा हूँ, जहाँ से वहाँ से सुंदरता पूर्वक नीचे गिरता है, इतना डरते लिख लो थ्योरी और ये डायग्राम बना लो, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, ये बहुत ज़्यादा आसान है, एकदम आराम से बना लोगे और समझ भी अच्छे से आए। चलो हो गया, आप ध्यान दें, हम मान के चलते हैं वस्तु पहले कंडीशन में क्या पर है, वस्तु ए पर है, ठीक है। अगर वस्तु ए पोजीशन पर है, ध्यान रखना, इस पोजीशन पर अगर वस्तु है तो इस पोजीशन पर क्या वस्तु स्थित है, स्थिर अवस्था में है,
ठीक है, वस्तु स्थिर अवस्था में, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है स्टार्टिंग स्टेज में, ठीक है, वस्तु यहाँ पर देखना है, अगर वेलोसिटी वहाँ पर जीरो तो आप लोग क्या जानते हो, सबसे पहले हम लोग अभी कुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं, कुल ऊर्जा के लिए क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है आप लोग जानते हो, यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा को आप किससे दर्शाते हो, कैसे, और स्थिति ऊर्जा को किससे दर्शाते हो, ठीक है, ये दर्शाते हो ना, आप चलो यहाँ पर मेरे को दोनों कंडीशन में निकालना है, ई का मान निकालना है मुझे, तो काइनेटिक ऊर्जा के लिए भी निकालना है और स्थितिज ऊर्जा के लिए, सबसे पहले काइनेटिक ऊर्जा के लिए निकालते हैं, तो k इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है, जीरो नहीं होता है, और u इज इक्वल टू क्या होता है, u इज इक्वल टू mgh, ठीक है, mgh गोल्ड मसाले ऐसे कुछ आते तो उसे mgh, हां mgh, चलो अब दोनों के लिए निकालते हैं, k इज इक्वल टू 1/2 m, v बोला गया है, अब वहां पे v को मान लेते हैं, जब वस्तु जब बिंदु वस्तु क्या हो, बिंदु रे पर कुल का ऊर्जा लिखा, मतलब कि जब वस्तु एक पोजीशन पर हो तब वस्तु का वेग क्या है, जीरो, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, जीरो को तो ये समान कितना दे रहे हैं, जीरो का क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का यहां पर मान कितना आ गया, जीरो। दूसरा कंडीशन देखना, जब यू के लिए बात, यू के लिए ध्यान, यू इज इक्वल टू क्या है, एम, वस्तु का द्रव्यमान, वो तो वैसा का वैसा रहेगा, ग्रेविटी का द्रव्यमान चेंज होगा नहीं, बढ़ जाएगा, अब बात की जाए एच, ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है, तो मुझे बताओ अभी वस्तु कहाँ पर है, ए पर है, मतलब पूरी एच ऊंचाई पर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एच ऊंचाई है ना, तो यू का मान क्या होगा, वही का वही होगा, होगा नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या आ गया, कि ए का भी माना गया और यू का भी माना गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, और यहाँ पर कुल ऊर्जा का मान क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए पर कुल ऊर्जा, ठीक है, क्या आपके पास यू प्लस यू है ना, ठीक है, के प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जी का मान कभी नहीं बदलता है, वो ये ऊंचाई है, हाइट है, अलग अलग पोजीशन, ये क्या है, ऊंचाई है, एच है, इस पोजीशन पे यहाँ वस्तु जब ए पर है तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है, एच है, यहाँ पे वी का मान नहीं रखना है, ये क्या है, हाइट बस पूछा गया है, इस समीकरण में यू वी पूछा गया क्या कहीं पे, नहीं पूछा गया है, इस समीकरण में क्या पूछा गया है, सिर्फ हाइट के बारे में बात की है, तो हाइट का मान रखू, यहाँ से यहाँ तक क्या है हाइट, जब वस्तु बी पर आए तो यहाँ से बी का ऊंचाई पूछा जाएगा, ठीक है, तब आप बी का ऊंचाई बताएंगे, तो अलग कंडीशन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी कमान पूछा गया था, प्रथम पोजिशन में भी वही पड़ती, और दूसरा पोजिशन हाइट का पूछा गया, तो हाइट से ही बताओगे बस सिंपल, ठीक है, ऐसा ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, जब जब बिंदु ए पर कुल ऊर्जा वस्तु, अब इसके लिए निकाल देना, आप एक बार ध्यान से, आप क्या है वस्तु, ऊपर से गिर कर नीचे यहाँ पर आ गई, बी पर आ गई ना, ठीक है, यहाँ पर भी देखते हैं कुल ऊर्जा का मतलब, आपको पता है इक्वल टू कितना होता है, के प्लस बी, ठीक है, के प्लस बी, चलो के को मैं आप लोग पहले से जानता हूँ क्या होता है, पहले दोनों के लिए निकाल लेते हैं, ये के लिए पहले निकाल, के इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv², तो यहाँ पर अब के का यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट 1/v1 का स्क्वायर, ठीक है, आप ध्यान रखना, आप यहाँ पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं मुझे, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v1 है, है नहीं, तो v1 का मान मुझे यहाँ पर पता है क्या, नहीं, यहाँ पर तो ऑलरेडी पता था कि 0 है, तो 0 पुट कर दिए, ठीक है, यहाँ पर पता है क्या वेलोसिटी क्या है, नहीं पता, तो यहाँ पर आप निकालें तो वेलोसिटी पहले निकालो, कहाँ से निकालेंगे वेलोसिटी, गति के तृतीय समीकरण, क्या होता है गति के तृतीय समीकरण, ठीक है, आप ध्यान दो, हम लोग अभी पूरा ग्रेविटी के सिस्टम में काम कर रहे हैं, ऊपर से नीचे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वस्तु इस दिशा में तो गति नहीं कर रही है,
कर ऊपर से नीचे गति करेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना एक ही जगह में क्या लिखूंगा इसको, जी लिख सकता हूँ, लिखूंगा नहीं तो यहाँ पर क्या लिखूंगा इसको, टू जी। आप देखो एस क्या है, एस क्या है, वस्तु का विस्थापन होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर वस्तु का विस्थापन क्या था, यहाँ पर एच था, ये वाला दिख रहा है ना, याद करो मीनार की ऊंचाई वाले एग्जाम्पल में बताया था विस्थापन को हाइट से दर्शाते थे, आ रहा नहीं, यहाँ पर इस पर न्यूनतम वस्तु का विस्थापन बात करेंगे, तो यहाँ एस की जगह में क्या लिखूंगा इसको, एच। ठीक है, आप चलो अभी क्या ये ना, इसको भी वी वन लिख देता हूँ। ठीक है, अब वी वन का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, वी वन स्क्वायर। आप ध्यान दो, यू क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग क्या था यहाँ पर, वी इक्वल टू जीरो, मतलब यही यू है कि नहीं प्रारंभिक वेग, तो इसके इक्वल टू यहाँ पर क्या पर रख सकता हूँ, जीरो रख सकता हूँ, प्लस टू जी, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, ठीक है, तो ध्यान देना। अब यहाँ पर ये क्वालिटी कितना हो गया, वी वन स्क्वायर से क्वालिटी कितना हो गया, टू जी। ठीक है, क्या अरे करेंगे, ठीक है, आप देखो ये वी वन का मान आप कहाँ रखो, यहाँ पे लेकर जाकर रख दो। ठीक है, तो के क्वालिटी कितना हो जाएगा, वन बाई टू, हाँ उसके बाद वी वन का मान रखो कितना है, टू जी एच। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ है कि नहीं, तो टू से टू बाहर में है, ये बटे में है, मल्टीप्लाई में है नहीं, तो के का मान कितना आ गया आपका, उसी का मान चाहिए, हम तो वर्कमूल क्यों लगाओ, जिसका मान चाहिए उसी के लिए निकालना, वी वन स्क्वायर का मान चाहिए हमको, चाहिए नहीं तो वी वन स्क्वायर को यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको समीकरण में निकाल दोगे क्या, नहीं देंगे, सिंपल सिंपल बनाओ, बार बार समीकरण दोगे कंजट हो जाए। ठीक है, चलो ये निकल गया, के कमान आप सिर्फ के पे दिख रहा है, मेरे को यू को भी निकालना है, निकालना है कि नहीं निकाल रहे हैं, तो चलो यहाँ से यू का भी मान निकालते हैं। अब यू का मान क्या निकाल, अभी यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। आप ध्यान दो, यू इक्वल टू एम जी एच होता है, वस्तु का द्रव्यमान एम वही रहेगा, जी का मान भी वही रहेगा, ग्रेविटी का मान ऊपर से नीचे हर जगह जहाँ पे वस्तु की ग्रेविटी का मान वही का वही रहेगा, हाइट बदल गया। अब हाइट बताओ, पहले कुछ समय वस्तु ए पर थी तो हाइट क्या था, एच, अभी कुछ समय वस्तु कहाँ पर है, बी पर, बी पर है, तब हाइट क्या है, नीचे से मापो, नीचे से वस्तु हाइट क्या है, एच माइनस एच माइनस एक्स। ठीक है, तो वस्तु क्या है, हाइट क्या है, एच माइनस एक्स। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, मैं एम जी एच माइनस एम जी एक्स लिख सकता हूँ ऐसा। ठीक है, यू का मान आगे ना, अब चलो इन दोनों मानों को क्या पुट कर दो, कहाँ पुट कर दो, ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट कर दो। ठीक है, सबसे ऊपर वाले में, चलो इक्वेशन मान लेंगे, देखते चलते हैं, ये लो एक मान लो इसको, दो मान लो, ठीक है, अब क्या करोगे, समीकरण एक में दो व तीन का मान रख देना। ठीक है, समीकरण एक में दो और तीन का मान रखो, अब एक नंबर कौन सा ऊपर वाला है, तो इस पर कितना हो गया, यू का मान, के का मान देखो, के का मान कितना है, एम जी एच है कि नहीं है, प्लस यू का मान कितना है, एम जी एच माइनस एम जी एच। चलो कुछ कर रहे हैं क्या, तो यहाँ से ये वस्तु नीचे से वस्तु कहाँ पर है, बी पर आ गई, तो नीचे से कितनी ऊंचाई इसकी, इसकी पहले कंडीशन में ऊंचाई क्या लेते, टोटल एच लिए थे ना, वस्तु पूरी ऊंचाई पर थी एच पर, अभी वस्तु कहाँ है, बीच में है, तो यहाँ से आकर हाइट में क्या लिखा है, एच माइनस एक्स, तो यहाँ पर एच के लिए एच माइनस एक्स नहीं होगा, बी पर है, कटना चाहिए था, कुछ दिक्कत हो गई क्या, कुछ गलत नहीं है क्या, होगा यहाँ पर वन स्क्वायर और ये क्या है, एच था, हाँ कहाँ पे गलत हुआ, आप ध्यान देना,
ठीक है। अब ध्यान, यहाँ पर हम गति के समीकरण की बात कर रहे हैं ना, तब ध्यान देना, अभी यहाँ पर मैं एच नहीं रखूंगा, ठीक है। यहाँ पर एच ना रखने का रीजन बता रहा हूँ, वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, तो वस्तु पहले इस पोजिशन भी तब क्या लिए थे, एच लिए थे। अभी वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो कितना दूरी तय कर लिया, एच दूरी तय कर लिया, तो वस्तु के द्वारा यहाँ पर एस रखते थे, एस क्या था, वस्तु का विस्थापन मतलब चली हुई दूरी होती थी, तो वस्तु ऊपर से नीचे यहाँ तक मतलब एस लेके बी तक कितनी दूरी तय किया, एच दूरी तय किया, चले भी निकला, तो यहाँ पर एच की जगह क्या रखूंगा इसको, पूरा में ठीक है, यहाँ ये एच है दो, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, क्योंकि ये एच की जगह हम लोग एक्स पुट करेंगे, यहाँ भी एक्स पुट करो, नहीं यहाँ भी फॉर्मूला यही है, ये वाला यहाँ से एक्स पुट करो, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से के का मान पुट करो तो ये क्या हो गया, एम जी एक्स, और यहाँ पे एम जी एक्स से एम जी एक्स कट गया, फिर टी का मान कितना आ गया, यहाँ पे समझ में आया नहीं आया, ठीक है, सिर्फ यही पर दिक्कत है, यहाँ वस्तु ऊपर से इस पोजिशन पर आ गई थी ना, हम लोग वहां पर मिस्टेक कर दिए, ठीक है, हम लोग एच नहीं लेना है, एच कब लेते जब वस्तु ए पर ही रहती, वस्तु अभी क्या है बी पर आ चुकी ना, इस वजह से हम लोग वहां पर एच लेना है, एच नहीं लेना, दो कंडीशन निकल गया, एक कंडीशन हमारे, ठीक है, चलिए आप बता दो क्या, इतना नहीं सोचना है रजनी, लिखते जाओ धीरे धीरे, समझते जाओ, समझ समझा रहे, समझ बिल्कुल, देखो फर्स्ट पोजिशन में वस्तु कहाँ पर थी, ए पर थी, ठीक है, तब के कंडीशन में हम लोग मान निकाले थे, बीच दूसरे कंडीशन बी पर थी तब भी मान निकाले, अब सी पर है, अब क्या फिर से क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ई सी पर क्या हो जाएगा, यू प्लस के प्लस के प्लस के प्लस, ठीक है, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यू क्या है, अब ध्यान देना, अब इसमें के का मान निकालो, के सी पर कितना होता है, वन बाई टू एम वी स्क्वायर, अब वी की जगह में क्या लूंगा, वी टू है मेरा, है कि नहीं, वी टू है, ठीक है, अब ध्यान चलो, के इज इक्वल टू वन बाई टू, अब वी टू निकालना है, आप ध्यान दो, वी टू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर मैं वी वन निकाला था वैसे ही वी टू निकाल दूंगा, ठीक है, समीकरण क्या लिखो गए, गति के तृतीय समीकरण, क्या होता है, गति का तृतीय समीकरण इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लिखते थे उसकी जगह क्या लिखोगे, टू जी एच लिख लेना, यहाँ पे बिल्कुल लिख लेना, ठीक है, चलो आप निकालते हैं यहाँ से, यू का मान क्या है, यू मतलब क्या होता है, प्रारंभिक में है ना, यहाँ पर प्रारंभिक में क्या हो जाएगा, वही पहले भी जीरो था अभी जीरो हो प्लस टू, फिर क्या है जी है, एच का मान देखो, ठीक है, आप क्या हो गया वन बाई टू एम बी टू का मान बुक करो कितना है, इंटू टू जी एच, आप यहाँ से फिर से टू से टू कट गया, कटा ना टू से टू तो क्यों एस गोल्ड कितना आ गया, ठीक है, ये लोग के का मान भी आ गया, अब निकाल लो यू का मान, यू का मान कितना हो जाएगा, यू से गोल्ड कितना रहेगा, एम जी एच, एम जी एच ही रहेगा, यू से गोल्ड आ गया, एम हो गया, ये जी हो गया, अब यहाँ पर स्थिति दूसरे है, यहाँ पर हाइट है ना, एच क्या है, हाइट है, अब मुझे बताओ वस्तु अब कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो वस्तु की कोई भी हाइट है यहाँ पर नहीं है, वस्तु किस में है, नीचे है, सबसे नीचे है नहीं पोजिशन, यहाँ पर हाइट की सिक्योरिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा मान क्या होगा, सर यहाँ पे जीरो है तो वहाँ पे जीरो क्यों नहीं, यहाँ पे के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि क्या है गतिज ऊर्जा, और ये क्या है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है,
गतिज ऊर्जा में हम वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं, किसका, गति का। तो वहां पे एच का मान जो होता है उसमें हम लोग हाइट के बारे में बात नहीं कर रहे उस कंडीशन में, सिर्फ वस्तु कितनी गतिमान है इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जब स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं ना, तो वस्तु के पोजिशन के बारे में बात करते हैं, मतलब कि वस्तु कहाँ पर है। अगर वस्तु ऐसे उठा रखे मतलब कितनी ऊंचाई पर इसकी बात की जा रही है, मतलब कि हाइट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हाइट को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वस्तु की कंडीशन में हाइट को कैलकुलेट नहीं करते हैं डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि वस्तु की गति का अध्ययन कर रहे हैं, बस ये रीजन है और कुछ नहीं है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर एच की जगह हम लोग जीरो नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर हाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ध्यान देना, तो अगर नीचे आ गए, यहाँ पर नीचे आकर टकरा रही है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे गति ऊर्जा जीरो हो जाएगी। आप कुछ सोचो, कोई भी वस्तु अगर तेजी ऊपर से तेजी से गिरी यहाँ पर टकरा रही है, अगर वस्तु गति ऊर्जा यहाँ पे जीरो होगी बेटा, मतलब क्या हो रहा है, वस्तु जमीन से टकराने के बाद क्या होगी, एकदम से रुक गई। ऐसा रुकता है क्या, नहीं, वस्तु अगर जमीन से टकराएगी तो बाउंस होकर ऊपर आएगी, तो गति ऊर्जा यहाँ पे जीरो हो जाता है। लेकिन स्थिति ऊर्जा जीरो हो सकती है, क्यों हो सकती है, स्थिति ऊर्जा के फॉर्मूले में भी है एच आई, ठीक है। यहाँ पर वस्तु में किसी भी प्रकार की कोई भी हाइट नहीं है, इस वजह से वस्तु क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्या चीज़ें याद रखना है, यू का मान देखो, यहाँ पर यू का मान, ए का मान निकल गया, इससे ठीक है, यहाँ पर लिखोगे सब जगह एम जी एच आया होगा हर जगह, ठीक है, मतलब इसकी कुल कुल ऊर्जा क्या है बेटा, संरक्षित है, नियत है, हर जगह इसका मान एम जी एच आ गया, यहाँ पे एम जी एच आया, वहाँ भी एम जी एच आ गया, वहाँ भी एम जी एच आया।